मेरा है, मम्मी अच्छा। पापा ने ये काम मुझे दिया है तो ये काम मैंने ही करना है, आपने ही करना है। मैंने ही करना है अच्छा। सुबह दूध लाना, फिर उसके बाद घर में जो छोटा मोटा काम होता है वो भी, फिर घर में कभी कोई काम लगा हुआ हो तो उस काम में जैसे ईंटें बजरी ये सब काम थोड़ा बहुत हो ही जाता है, तो ये काम भी मम्मी पापा की, मतलब ऐसे मम्मी पापा की हेल्प करनी है। अच्छा, हेल्प करनी है। उन्होंने एक बार जो बोला वो आपने करना है, करना है, वो मेरी ड्यूटी है। अच्छा, वो आपने माना हुआ, वो आपने करना ही करना, करना ही करना, कभी ये नहीं। काम अलग चीज है, काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, और पढ़ाई करने का एक अपना टाइम होता है, काम करने का अपना टाइम होता है। दिन भर हमको मतलब किताब खोलेंगे तो माइंड कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सरकारी टीचर चाहता है कि सारे बच्चे उसके स्कूल में आए, पर वो अपने बच्चे को बाहर भेजता है। और यही चीज मेरे भी देखा जाए, 12-13 टीचर अगर एक स्कूल में होंगे और उनके दो दो बच्चे भी होंगे, 13 टीचर होके 26 बच्चे तो एक ही स्कूल में हो गए। अगर 13 टीचर होंगे, 13 टीचरों में सबके दो दो बच्चे होंगे, और 13 × 26 26 बच्चे तो वही हो गए स्कूल में, अगर वो अपने आप वो यहाँ गाँव में पढ़ाते हैं और उनके बच्चे देहरादून पढ़ते हैं। देहरादून पढ़ा तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो वहाँ पे प्राइवेट स्कूल है उनमें ज्यादा पढ़ाई अच्छी होती है कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है। कैसे मतलब, कैसे? क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में मतलब ज्यादा उनका काम होता है लूटना, वो हर चीज में पैसे 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 मैंने देखा है। अब मैं, हाँ जी, गाय भी गोबर वोबर निकालते हो आप? हाँ जी, सारा काम करते हैं घर का, मम्मी का। हाँ जी, लाते हैं भाई। पहाड़ की वो लड़कियां हैं जो घास भी लाती हैं और उत्तराखंड में टॉप भी करती हैं, पेपरों में इनकी फोटो भी छपते हैं। अच्छा, आप में से ट्यूशन कौन कौन करता है? बचपन से कभी ट्यूशन पढ़ा ही नहीं। भाई देखो, ये वीडियो को ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए, चाहे वो शहरों में रहते हैं या गाँव में रहते हैं, आपकी आंखें खुल जाएंगी। दोस्तों नमस्कार। जैसे हम सबको मालूम ही है कि अभी एक दो दिन पहले जो है उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट निकला है, और हर बार की तरह इस बार भी जो पहाड़ी जिले हैं, जो पहाड़ी स्कूल हैं, उन्होंने उत्तराखंड में अपना परचम लहराया है। मेरे साथ यहाँ पे ये तीन बालिकाएं हैं जो गांव में पढ़ी हुई हैं और बहुत ही सामान्य घर से आती है। इन लोगों ने इस समय उत्तराखंड बोर्ड में मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाया है। तो पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। मैं इन लोगों से बातें करूँगा कि किस प्रकार से एक सामान्य घर से आते हुए घर में सारे वो काम वगैरह अपने घर वालों का हाथ बढ़ाते हुए और ये पढ़ाई में भी अव्वल रहे। लेकिन उससे पहले आप जरा ये वीडियो को ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए, चाहे वो शहरों में रहते हैं या गांव में रहते हैं, आपकी आंखें खुल जाएंगी। इस समय उत्तराखंड जो हाई स्कूल का बोर्ड का जो रिजल्ट निकला है उसमें जो पहाड़ी जिला है रुद्रप्रयाग, वो प्रथम स्थान पर आया है। रुद्रप्रयाग जो बिल्कुल पहाड़ी ज़िला है, और मैं इस समय अपने गांव मयाली में हूं। आप पीछे देख सकते हैं कि पूरी पहाड़ी है, और देहरादून, जिस देहरादून में हम पढ़ाई के नाम पे यहां से पलायन कर रहे हैं अपने बच्चों के स्कूल के नाम पे, उस देहरादून का जो परसेंटेज रहा वो 83.72 रहा, और ये पूरे उत्तराखंड में 10वें नंबर पर रहा। आप सोचिए, हम पढ़ाई के नाम पे, बच्चों की पढ़ाई के नाम पे देहरादून पलायन कर जाते हैं, और हर बार पिछले कुछ सालों से पहाड़ी जो ज़िले हैं, पहाड़ी जो स्कूल है वो बाजी मार देते हैं। तो रुद्रप्रयाग एक बिल्कुल पहाड़ी ज़िला है और यहाँ पे आप तमाम देख सकते हैं, उसके बावजूद ये प्रथम स्थान पे आया है। तो चलिए मैं इन बालिकाओं से बात करूँगा। तो मेरे साथ में प्राची काला जी हैं। प्राची जी, बहुत बहुत बधाई आपको। तो इनका जो परसेंटेज है वो है 95.2%, और मेरिट में स्थान बनाया है। प्राची जो है, मैं आपको बता दूं, एक सामान्य घर से आती है। इसके पापा जो है यहीं मयाली में जो है गैस गोदाम में कार्यरत है, वहाँ पे कार्य करते हैं, और बहुत ही सामान्य परिवार से आप आती है। प्राची जी, बहुत बहुत बधाई है आपको। धन्यवाद। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, कितने घंटे पढ़ाई करके लाए? लगभग 4-4.5 घंटे। 4-4.5 घंटे में? अच्छा, हमने तो बहुत सारे बच्चों को ये सुना है कि हम 12 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, तो आप 4 घंटे में कैसे? मतलब ऐसा नहीं है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे मतलब आपके उतनी ज़्यादा नंबर आएंगे, मतलब जैसे आप जितना पढ़ते हो उसके हिसाब से आपको नंबर नहीं मिलते, मतलब आप जितना समझते हो आपको उसके हिसाब से नंबर अच्छा। मिलेंगी। जैसे आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो इसका मतलब ये नहीं आपने कितना लंबा पढ़ा है अच्छा। इसका मतलब ये है कि आपने उसको कितना समझा है। हाँ, तो जैसे आप उसको समझ लोगे तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। तो मतलब यूँ कहूँ कि क्वांटिटी के बजाय
आप क्वालिटी पे फोकस करो, कम पढ़ो फोकस होके पढ़ो। आप टाइम टू टाइम पढ़ती हूँ, मतलब जैसे अगर मेरे को बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ना हो तो मैं एक एक घंटे, मतलब एक एक घंटे पढ़ती हूँ, बीच में 5 मिनट का रेस्ट लेती हूँ, फिर एक घंटे पढ़ती हूँ। तो ऐसे मतलब मेरे माइंड में प्रेशर नहीं पड़ता है कि मुझे पूरा एक बार खत्म करना, मतलब ये कोशिश नहीं करनी है कि पूरा एक बार में खत्म कर दो, मतलब जितना हाफ हाफ करके आप पढ़ सकते हो, जितना आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो ऐसे पढ़ो। ये अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस और मैथ। साइंस और मैथ है, तो आगे जाके आप साइंस और मैथ्स में परस्यू करेंगे आगे। अच्छा, और जब आप आगे अपना प्लस टू करेंगे अभी, तो उसके बाद क्या सोचा आपने, या आपने क्या सोचा करियर में क्या बनना है आपको? मेरे हिसाब से तो मतलब अभी मुझे इतना है कि मुझे अभी अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, फिर मैं जब 12th में आऊंगी, जब मैं वो मतलब पेपर दे दूंगी, उसके बाद ही मैं सोच पाऊंगी कि मुझे आगे करना क्या है। अभी फिलहाल आपने 12th पे फोकस है, ये अभी जो है 12वीं करेंगे, इसके बाद ये सोचेंगे इनको क्या करना है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ प्रशंसा सिंघवाल से, जिनका 92.2% उत्तराखंड बोर्ड में आया है। और प्रशंसा, मैं आपकी क्या ही प्रशंसा करूँ, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है। और आप जो है सरकारी स्कूल में पढ़े हैं शायद? हाँ जी। आप बताएं मुझे, आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो? मेरा भी वही था, 4-4.5 घंटे। अच्छा, 4-4.5 घंटे। अच्छा, मैं क्योंकि आपका जो इनका जो मकान है वो हमारे मकान से थोड़ा नीचे है और रास्ते में ही है, तो मैं जितनी बार आता जाता रहता हूँ, मैं हमेशा इसको देखता हूँ कि ये बालिका जो है काम कर रही है। पिछली बार इनका घर बन रहा था वहाँ पे, तो ये वहाँ पे इट्टे सार रही थी, तो कभी घर में आप मैंने देखा कुछ और काम कर रहे हैं। तो ये पढ़ाई के अलावा आप घर में अपने मम्मी पापा को और मदद करते हो? हाँ जी, काम करने जरूर। क्या क्या करते हो? जैसे एक शेड्यूल रहता है कि हाँ मेरा ये काम मेरा है, मम्मी पापा ने ये काम मुझे दिया है तो ये काम मैंने ही करना, आपने ही करना है, मैंने ही करना है। सुबह दूध लाना, फिर उसके बाद घर में जो छोटा मोटा काम होता है वो भी, फिर घर में कभी कोई काम लगा हुआ हो तो उस काम में जैसे ईंटे बजरी ये सब काम थोड़ा बहुत हो ही जाता है, तो ये काम भी मम्मी पापा की, मतलब ऐसे मम्मी पापा की हेल्प करनी है। अच्छा, हेल्प करनी है, उन्होंने एक बार जो बोला वो आपने करना है, करना है, कभी आपने, वो मेरी ड्यूटी है, वो ड्यूटी है। अच्छा, वो आपने माना हुआ है, वो आपने करना ही करना, करना ही करना। कभी ये नहीं हुआ कि मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे एग्जाम है, अभी मैं क्लास में हूँ? नहीं, मम्मी पापा ने बोला था बोर्ड एग्जाम के टाइम पे कि पढ़ लो बेटा, ये काम बाद में करना, पर नहीं, काम अलग चीज है, काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, और पढ़ाई करने का एक अपना टाइम होता है, काम करने का अपना टाइम होता है। दिन भर हमको मतलब किताब खोलेंगे तो माइंड कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब चीज़ों को जितना सिंपल आप रख सके उतना आपके लिए बेटर है। और बात भी सही है कि आप 12-15 घंटे स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है, कम से कम मतलब हाई स्कूल और इंटर वालों को, उसके बाद हायर एजुकेशन में हो सकता है आप 1-2 घंटा बढ़ा लें। हाँ, पर अभी का तो आपका कौन सा सब्जेक्ट है जो फेवरेट है? साइंस। साइंस है, कितने नंबर आए साइंस? साइंस में 95। अच्छा, साइंस में। तो तमाम लोग यहाँ से देहरादून पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे भी पढ़ाई हो सकती है, यहाँ पे रहके? यहाँ पे वहाँ से बहुत अच्छी पढ़ाई हो सकती है, यहाँ पे ज़्यादा अच्छी हो सकती है, ज़्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि वो होता है कि सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं ना, वो बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादा वो करते हैं। अच्छा, मेहनत करते हैं। मेहनत करते हैं, और वो टीचर क्या करते हैं, अपने बच्चों को तो बाहर भेज देते हैं, और जो दूसरों के बच्चे होते हैं उनको यहीं पढ़ाते हैं। अच्छा। मतलब टीचर चाहता है, सरकारी टीचर चाहता है कि सारे बच्चे उसके स्कूल में आए, पर वो अपने बच्चे को बाहर भेजता है। और यही चीज मेरे पापा ने नहीं कराई है, कभी। अच्छा, नहीं। अच्छा। मेरे पापा खुद एक टीचर है, पर उन्होंने कभी मेरे को और मेरी बहन को कभी भी किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं रखा है। अच्छा, वो हमेशा से बोलते हैं कि हमें सरकारी स्कूलों को ही बढ़ावा देना चाहिए, सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इस और जो टीचर होते हैं बाकी टीचर, अगर हम भी देखा जाए 12-13 टीचर अगर एक स्कूल में होंगे और उनके दो दो बच्चे भी होंगे, 13 टीचर हो के 26 बच्चे तो एक ही स्कूल में हो गए। अगर 13 टीचर होंगे, 13 टीचरों में सबके दो दो बच्चे होंगे, और 13 × 26 26 बच्चे तो वही हो गए स्कूल में, अगर वो टीचर अपने बच्चे को बाहर ना भेजे। पर उन टीचरों का क्या है, सब बाहर है, सब बाहर, सब बच्चे अपने आप वो यहाँ गाँव में पढ़ाते हैं और उनके बच्चे देहरादून पढ़ते हैं। तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो वहाँ पे प्राइवेट स्कूल है उनमें ज़्यादा पढ़ाई अच्छी होती है कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में होती है? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती कैसे है। कैसे मतलब, कैसे? क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में मतलब ज़्यादा उनका काम होता है लूटना, वो हर चीज़ में पैसे पैसे पैसे। मैंने देखा है, अब मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं वो पढ़ते हैं वहाँ बाहर पढ़ते हैं, तो उनका हर टाइम क्या होता है कि आप आज तुम्हारा ये चीज़ है तो इस पे तुम फीस दो, इस चीज़ की फीस दो, बहुत सारे ड्रेस की तुम फीस दो, ये फीस दो, वो फीस दो। और सरकारी स्कूलों में क्या होता है, वो पढ़ाते भी है अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं फिर, और सरकारी स्कूलों के जो टीचर होते हैं वो वेल एजुकेटेड होते हैं, उन टीचरों की बहुत आज भी बोलते हैं कि जो मतलब जो इन लोगों का सिलेक्शन होता है सरकारी में आते हैं, जिनका नहीं होता है वो प्राइवेट में जाते हैं, फिर वो लोग आपको पढ़ा रहे होते हैं जो सेकंड या थर्ड नंबर पे रहते हैं, फर्स्ट क्लास वाले आपके गवर्नमेंट स्कूल में ही है। अच्छा, एक बात बताओ,
आपकी उम्र कितनी है? मैं 14 वैसे साल। लड़कियों को पूछना नहीं चाहिए, 14। आप 14 साल हैं? बस मैं 14 साल में जो जो बिटिया है हमारी, उसने जो हाई स्कूल किया है और उत्तराखंड मेरिट में इसका नाम आया है, लेकिन जो आपकी बातें हैं वो एकदम 50 साल वाली है। क्योंकि मेरी जो बात है ना, इतनी मैच्योरिटी कहाँ से? मतलब मुझे मेरे पापा ने सिखाया ये सब। मेरे पापा बोलते हैं कि तुम, क्योंकि पापा ने ये सिखाया है कि बच्चे जो टीचर होते हैं, टीचरों को अपने बच्चों को यही रखना चाहिए। हाँ। पढ़ाई का शेड्यूल भी मेरे पापा ने मुझे बचपन से ही बता दिया कि तुम्हें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अच्छा। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनना है, बनाना है खुद को। हाँ। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, टाइम टाइम पर पढ़ो। मीन्स मेरे बचपन से शाम के टाइम का, जो शाम का टाइम होता है ना, शाम के टाइम चाय के बाद, पापा हमेशा बचपन से पापा ने बोल रखा है इस टाइम के बाद तुम पढ़ाई करोगे, ये टाइम तुम्हारा पढ़ाई। और जैसे लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में भी बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हुई थी उनकी, बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे रहे थे, क्योंकि सरकारी स्कूलों में बहुत टाइम हुआ था ना कि ज़्यादा साधन नहीं थे बच्चों के पास, गरीब बच्चे होते हैं तो उनके पास साधन है। तो पापा ने मुझे खुद पढ़ाया है, पापा ने मेरी सारा सिलेबस मुझे कंप्लीट कराया। मेरा एट्थ में थी मैं उस टाइम, जिस टाइम पूरे साल कोविड था, पर तब भी मेरे पापा ने मेरा पूरा शेड्यूल कराया, पूरा जितना भी मेरा सिलेबस था सारा मेरे पापा ने मुझे कंप्लीट कराया। और हमारा जितना स्कूल का टाइम होता था ना, उतने टाइम पे मेरे पापा हमें पढ़ाते थे। अच्छा। कि ये टाइम तुम्हारा स्कूल का टाइम होना था, अगर कोविड नहीं होता तो इस टाइम पर तुम पढ़ोगे, और शाम का टाइम जो तुम्हारा नॉर्मली है वो टाइम तुम्हारा है। मतलब बचपन से एक शेड्यूल बना हुआ है, उस टाइम मैं फोर्थ या फिर फिफ्थ में थी जब से वो शेड्यूल बना हुआ है हमारा। नहीं तो मैंने आपको देखा है गांव में, जब भी शादी होती है, कोई कार्यक्रम होता है, आप वहां पे भी जाते हैं, हर जगह पार्टिसिपेट करते हैं, घर में काम भी कर रहे हैं, वो मैंने खुद भी देखा हुआ है, और पढ़ाई में भी आप अपने स्कूल में तो आपने टॉप किया है शायद। और मतलब पहाड़ों में रहकर सरकारी स्कूल में बचपन से पढ़ना और टॉप करना मेरी लिस्ट में, यार ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि, और आपसे तो बात करके मुझे ये लग रहा है मैं किसी आई एस आई पी एस से बात कर रहा हूँ। मतलब इतनी छोटी सी लड़की, और कहाँ से मतलब इतनी बातें आती है आपके पास? सब मतलब हो जाता है सुन के, और इधर उधर से जैसे पापा बताते रहते हैं, पापा मम्मी बताते, मतलब ऐसे बताते रहते हैं कि तुमको ऐसा करना है। अच्छा। ऐसे पढ़ना है, तब इस वजह से हो जाता। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आगे भी बातें करूंगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ में सोनम काला जी हैं। सोनम बहुत बहुत बधाई बेटा आपको। धन्यवाद। आपका कितना था? 81.6% था आपका। हाँ जी। और सोनम जो है एक बहुत ही सामान्य फैमिली से हैं, इसके पापा जो है ड्राइवर हैं, और साथ साथ में जो है उनका स्वास्थ्य भी बहुत ठीक नहीं रहता है, उसके बावजूद इन सब प्रश्नों से लड़ते हुए इसने जो है अच्छी खासी नंबर यहाँ पे लाई है। कितने घंटे आप पढ़ाई करते हो? 3 से 4 घंटे पढ़ाई करते हैं। अच्छा। उसके बीच फिर ब्रेक भी होता है। हाँ। फिर जैसे रात को पढ़ाई करने, फिर खाना भी खाना होता है। हाँ। फिर उधर थोड़ा हो ही जाता है, फिर घर का काम भी होता है हल्का फुल्का। अच्छा। वो भी देखना होता है। हाँ। फिर हल्का फुल्का हो ही जाता है, 3 से 4 घंटे हो ही जाता है काम। घर में गाय वाय रखी हुई है? हाँ जी, गाय भी रखी। गोबर निकालते हो आप? हाँ जी, गोबर सारा काम करते हैं घर का। मम्मी का लाते हो? हाँ जी लाते हैं। भाई पहाड़ की वो लड़कियां हैं जो घास भी लाती हैं और उत्तराखंड में टॉप भी करती हैं, पेपरों में इनकी फोटो भी छपते हैं, और बातें आप इनको देख लो, जब इनके, जब आपकी कमर में वो होता है ना कंडा घास वाला, तो तब देख के लगता नहीं, ऐसा लगता है यार जब, मतलब गांव में गंवार से बोलना नहीं चाहिए, पर जा रहे होंगे कहीं घास काट रहे होंगे, लेकिन जब बोल्ट का रिजल्ट आता है तो लड़कों से हमेशा आगे, लड़कियां जैसे हमेशा कर ही रहे हैं पिछले कुछ सालों से, वो टॉप करती है, और पढ़ाई में भी, काम में भी, समाज में भी, हर जगह जो है अपनी सहभागिता निभाती है ये। क्योंकि मुझे आप लोगों से बात करके ये लगता है कि आप लोग बहुत मैच्योर हैं, शायद ये सब बोलने की ज़रूरत तो आप लोगों को है नहीं जैसे आप सब लोग बात कर रहे हैं मेरे से, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा उत्साह भी नहीं होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए बट आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ में कभी भी उत्साह कम भी नहीं होना चाहिए आपका। ये तो इसी उम्मीद के साथ कि आप भी अपने बच्चों को जहाँ भी है एक अच्छी शिक्षा देंगे, साथ साथ में उनका चरित्र निर्माण भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।